हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आपकी रेनू मैम, टेक्नोलॉजी सीरीज बाय अमित प्रकाशन, राष्ट्रभाषा भाग 6 पाठ 16। सांस सांस में बांस। क्या है? सांस सांस में बांस। बांस देखा कभी बच्चों आपने? बांस होता है ना, बना हुआ होता है लकड़ी का, उसके बारे में जानते हैं। देखिए, ध्यान से सुनिएगा, मैं फिर प्रश्न पूछूंगी और प्रश्न में आपको पूछने के बाद आपको खुद लिखने होंगे। प्रश्न में आपको पाठ समझा रही हूँ। पाठ में क्या है, एक जादूगर थे। कौन थे? मैजिशियन जो होते हैं, जादूगर, उनका क्या नाम था? चंग की चंगलनबा। क्या नाम था? चंग की चंगलनबा। अपने जीवन में उन्होंने बड़े बड़े कर्तव्य दिखाए, बहुत सारे उन्होंने जादू दिखाए अपने जीवन में। जब वो मरने को हुए तो उन्होंने लोगों से कहा कि जब मैं मर जाऊं, मेरे दफनाने के छठे दिन, तो मेरी कब्र खोद कर देखोगे तो तुम कुछ नया पाओगे, तुम्हें कुछ नया मिलेगा। ऐसा उन्होंने लोगों से कहा। और कहा जाता है कि मौत के छठे दिन जब उनकी कब्र खोदी गई तो उसमें से क्या निकला? बांस की टोकरियों के कई डिजाइन, बहुत सारे डिजाइन वहां से निकले। जादूगर था वो तो लोगों ने देखा, पहले उनकी नकल की और फिर नए डिजाइन से उन्होंने नए डिजाइन और भी नए नए डिजाइन बनाने लगे। बांस भारत के विभिन्न विभिन्न हिस्सों में बहुत संख्या में पाया जाता है। बहुत सारे हिस्सों में, बहुत सारे भागों में बांस बहुत संख्या में पाया जाता है। देख रहे हैं आप, ये बांस के पेड़ है बच्चों, ये बांस के पेड़ लगे हुए हैं। उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 7 राज्यों में बांस बहुत उगता है। उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के बहुत सारे राज्यों में बांस उगता है, इसलिए यहाँ बांस की चीजें बनाने का बहुत प्रचलन है। बहुत ज्यादा बांस की चीजें बनाई जाती है यहाँ पर। सभी समुदाय के भरण पोषण, यानी कि उनका पेट भरने के लिए, जीविका चलाने के लिए इनका बहुत बड़ा हाथ है बांस का, क्योंकि बांस से ही सब चीजें बनाते हैं वो। यहाँ हम खास तौर पर देश के उत्तर पूर्वी राज्य नागालैंड की बात कर रहे हैं। उत्तर पूर्व में कौन सा राज्य है? नागालैंड, उसकी बात कर रहे हैं। नागालैंड के निवासियों ने बांस की चीजें बनाकर, उनका उनको बांस की चीजें बनाने का वहां बहुत रिवाज है, बहुत प्रचलन है। इंसान ने जब हाथ से बहुत सारी कलात्मक चीजें बनानी शुरू करी तो बांस की चीजें तब से बनती आ रही है। उस समय जब से लोगों ने कलात्मक चीजें बनानी शुरू करी तभी से बांस की चीजें भी बनती आ रही है। आवश्यकता के अनुसार इसमें बदलाव भी हुए हैं बहुत सारे और धीरे धीरे हो भी रहे हैं। कहते हैं कि बांस की बुनाई का रिश्ता उस समय से है, उस दौर से है जब इंसान भोजन इकट्ठा करता था, जब खाने की तलाश में लोग जाते थे और अपना भोजन इकट्ठा करते थे, तब से बांस का रिश्ता है। शायद भोजन इकट्ठा करने के लिए उसने ऐसी डलिया नुमा चीजें बनाई होंगी। जब वो भोजन इकट्ठा करने जाते थे तो उन्होंने ऐसी बहुत सारी डलिया होती है ना, टोकरी छोटी सी, बहुत ऐसी छोटी छोटी डलिया नुमा चीजें बनाई होंगी। क्या पता कि जैसी किसी चिड़िया के घोंसले से टोकरी के आकार और बुनावट की तरकीब हाथ लग गई हो। ऐसा मालूम पड़ता है कि जैसे कि किसी चिड़िया के घोंसले में जो घोंसला होता है उसमें जो टोकरी है ना, उसके आकार और उसकी जो बुनावट, जैसे वो टोकरी बनी हुई है, जैसे चिड़िया बनाती है अपना घोंसला, उसकी तरकीब मनुष्य के हाथ लग गई। बांस से केवल टोकरियां ही नहीं बनती बच्चों, बहुत सारी चीजें बनती हैं, जैसे चटाइयां बनती हैं, चटाइयां, टोपियां, टोकरियां, बर्तन, रेलगाड़ियां, फर्नीचर, सजावटी सामान, जाल, मकान, पुल और खिलौने, बहुत सारी चीजें बांस से बनती हैं। आपको पता लगा कितनी सारी चीजें बनती हैं बांस से। असम में, यानी कि असम में ऐसे ही एक जाल जिसका क्या नाम है, जकाई, जकाई से मछली पकड़ते हैं असम में। छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए क्या करा जाता है, इसे पानी की सतह पर रख दिया जाता है और फिर धीरे धीरे चलते हुए खींचा जाता है उसको, उस जाल को फिर धीरे धीरे चलते हुए खींचा जाता है। फिर बांस की खपच्चियों को इस तरह बांधा जाता है, जो बांस की जो खपच्चियां होती है ना, उसके पतले पतले जो डंडे होते हैं, उसको फिर इस तरह से खींचा जाता है कि वो एक किसका आकार ले लेती है, शंकु का, एक शंकु का आकार ले लेती है। और इस शंकु का ऊपरी हिस्सा कैसा होता है, अंडाकार होता है, और नीचे का जो नुकीला हिस्सा होता है उस पर खपच्चियां एक दूसरे में कैसी होती है, गुथी रहती है, बंधी रहती है, एक दूसरे में वो बंधी रहती है। ठीक है, खपच्चियों से तरह तरह की क्या बनाई जाती है, टोपियां भी बनाई जाती है बच्चों, उन्हीं खपच्चियों से, बांस की खपच्चियों से तरह तरह की टोपियां भी बनाई जाती है। असम के चाय बागानों के चित्रों में तुम्हें ऐसी टोपियां पहने लोग, बहुत टोपियां पहने हुए लोग मिल जाएंगे। वो चाय के जो बागान है असम में, वहां सब लोग ऐसी बांस की टोपी पहने हुए घूमते रहते हैं।
उनके पीठ पर टगी बांस की बड़ी सी टोकरी को कभी भी आप देखना, उनकी कमर पर बांस की टोकरी ही बंधी हुई होती है, जो वो चाय के बागों में काम करते हैं ना। जुलाई से अक्टूबर घनघोर बारिश के महीने होते हैं, जुलाई से लेकर और अक्टूबर तक लोगों के पास बहुत सारा, ये आप ये समझ लो या तो बहुत सारा खाली वक्त है, उनके पास खाली समय है, या ये कहो कि आसपास के जंगलों से बांस इकट्ठे करने का ये बिल्कुल सही समय होता है जुलाई से अक्टूबर का। आमतौर पर 1 से 3 साल की उम्र वाले बांस काटे जाते हैं, एक जिनकी उम्र 1 से 3 साल होती है। बूढ़े बांस बहुत सख्त होते हैं, कड़े होते हैं बूढ़े बांस, जो पुराने हो जाते हैं और टूट भी जाते हैं। बांस से शाखाएं और पत्तियां अलग कर दी जाती हैं, उस बांस से उनकी शाखाओं को और पत्तियों को अलग कर दिया जाता है। उसके बाद ऐसे बांसों को चुना जाता है जिनमें गांठे, जगह जगह उनमें गांठे पड़ी हुई होती है। बच्चों दाव यानी चौड़े चांद जैसी फाल वाले चाकू से, इस चाकू को क्या कहते हैं, दाव। क्या बोलते हैं, दाव। इसका जो दाव चांद जैसे आकार का होता है ये चाकू, इससे इसे बांस को छील कर और खपच्चिया जिनमें गांठे ना दूर दूर तक होती है, दाव यानी चौड़े चांद जैसी आकार वाले चाकू से इन्हें छील कर खपच्चिया तैयार की जाती है। खपच्चियों की लंबाई पहले से ही तय कर ली जाती है कि कितनी खपच्चिया कितनी लंबाई रखनी है हमें। उनकी आसन जैसी छोटी चीजें बनाने के लिए बांस को हर उसकी गांठ जहाँ होती है हर गांठ से उसको काटा जाता है। लेकिन टोकरी बनाने के लिए हो सकता है कि दो या एक दो तीन तीन चार गांठों के बाद उसको काटा जाए। कहाँ से काटा जाएगा ये टोकरी की लंबाई पर निर्भर करता है, कितनी लंबाई टोकरी की रखनी है और कितनी गांठों के बाद उसको काटा जाएगा ये टोकरी की लंबाई पर निर्भर करता है कि उसको कहाँ से काटा जाएगा। आमतौर पर खपच्चियों की चौड़ाई 1 इंच से ज्यादा नहीं होती, आमतौर पर 1 इंच से ज्यादा होती ही नहीं है। चौड़ी खपच्चियां किसी भी काम की नहीं होती, इन्हें चीर कर पतली खपच्चियां बनाई जाती है। पहले इनको चीर कर क्या करा जाता है, इनको चीर कर पतली पतली खपच्ची बनाई जाती है, फिर पतली खपच्चियां लचीली होती हैं। खपच्चियां चीरना उस्तादी का काम है, इसको बहुत उस्तादी से मतलब बहुत निपुणता होनी चाहिए इनको छीलने के लिए। हाथों की कलाकारी के बिना खपच्चियों की मोटाई बराबर बनाए रखना आसान काम नहीं है, क्योंकि एक इनको कोई अच्छा व्यक्ति ही जिसको पूरा ज्ञान हो खपच्चियां कैसे छील जाएंगी कितनी उसकी मोटाई रखनी है, ये कोई एक्सपर्ट ही कर सकता है। इस हुनर को पाने में काफी समय लगता है और इसको इसको पूरा निपुण होने में, पूरा ज्ञान इसका प्राप्त होने में काफी समय लग जाता है। टोकरी बनाने से पहले खपच्चियों को क्या करना पड़ता है, चिकना बनाना पड़ता है, उन खपच्चियों को बिल्कुल चिकना बना दिया जाता है छील छील कर। और फिर यहाँ पर दाव काम आता है, वो जो चांद की आकार वाला दाव है। खपच्ची बाएं हाथ में होती है उल्टे हाथ में, और दाएं हाथ में क्या होता है, दाव। खपच्ची बाएं हाथ में, दाएं हाथ में दाव होता है। दाव का जो धारदार वाला हिस्सा होता है उससे उसको क्या करते हैं, दबा, वो खपच्ची को दबाए रहता है, जबकि जो तर्जनी दाव के एकदम नीचे होती है, इसके नीचे जो होती है, इस स्थिति में बाएं हाथ से खपच्ची को बाहर की ओर खींचा जाता है, उसको बाहर की ओर खींचते हैं और उस चाकू से उसको ऐसे करते हैं, तब ऐसे ऐसे करके उसको चिकना किया जाता है। इस दौरान जो हमारा दाएं हाथ का अंगूठा है वो दाव की अंदर की ओर दबा, दाव को अंदर की ओर दबाता है दाएं हाथ का अंगूठा, और दाव खपच्चे पर दबाव बनाते हुए घिसाई करता है। दाव जो है खपच्चे पर दबाव बनाता है और फिर उसकी घिसाई करता है। जब तक खपच्ची एकदम चिकनी नहीं हो जाती, बार बार ऐसा ही करना पड़ता है जब तक वो बिल्कुल चिकनी नहीं हो जाती। अगर वो चिकनी नहीं होगी तो टोकरियां नहीं बन पाएंगी। इसके बाद होती है खपच्चियों की रंगाई, फिर इन पर पेंट होता है। इसके लिए ज्यादातर गुड़हल इमली की पत्तियों आदि का प्रयोग किया जाता है। काले रंग के लिए उन्हें आम की छाल में लपेटकर कुछ दिनों के लिए मिट्टी में दबाकर रखा जाता है कि उनका रंग काला हो जाए, तो इसके लिए उनको आम की छाल में लपेटकर कुछ दिनों के लिए मिट्टी में दबा देते हैं। बांस की बुनाई वैसे ही होती है जैसे कोई और बुनाई होती है। पहले खपच्चियों को देखो, आप देख रहे हो इसमें, पहले खपच्चियों को चित्र में दिखाए गए तरीके से आड़ा तिरछा रखा जाता है, जैसे ये है ऐसे रखा जाता है, और फिर इसमें चेक का डिजाइन बनता है। ये देख रहे हो आप, चेक चेक के से डिजाइन बनते हैं। पलंग की जैसे निवाड़ की बुनाई होती है ना, जैसे पलंग बुनते थे पुराने समय में, वैसे ही इसकी बुनाई की जाती है। ट्विल बुनना हो तो हर एक बाना दो या तीन तानों के ऊपर और नीचे से जाता है, इससे कई सारे डिजाइन बनाए जा सकते हैं, बहुत सारे डिजाइन बना लेते हैं ये इसी। इसी प्रकार टोकरी के सिरे पर खपच्चियों की या तो चोटी की तरह, जैसे चोटी बनाते हैं,
चोटी की तरह गूंथ दिया जाता है, या फिर कटे सिरों को, उसके जो कटे हुए सिरे होते हैं उनको नीचे की ओर मोड़कर फंसा दिया जाता है और हमारी टोकरी अब क्या हो जाती है, तैयार हो जाती है। देखा आपने इस प्रकार ये टोकरी तैयार हो गई। लेकिन कोई भी काम बच्चों आसान नहीं है, हर काम को करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। चाहो तो बेचो या घर पर ही काम ले लो, टोकरी का आप कुछ भी कर सकते हो। पर लोग तो बेचने के ही काम बनाते हैं, उनका व्यवसाय है ये टोकरी बनाना।